नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहां पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके विषय में समझेंगे, जानेंगे या उनकी स्थितियां क्या हैं उनके विषय में हम लोग समझेंगे। देखिए, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, सबसे बड़ी बात हम लोग पिछली क्लास में मंत्रिपरिषद का क्या रूप है, उसकी क्या संरचना है, उसके क्या अधिकार कर्तव्य या जो भी उत्तरदायित्व है उन सभी के विषय में पढ़ चुके थे। लेकिन मैंने इसको इसलिए अलग से थोड़ा सा ये क्लास अलग बनाने की कोशिश की, ये क्लास को पूरी करने की, क्योंकि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री पूरा का पूरा एक टॉपिक है। जब आप पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री पूरा का पूरा एक टॉपिक है। जब आप सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर पढ़ते हैं या उससे प्रश्न देखते हैं तो भी प्रधानमंत्री पूरा का पूरा एक टॉपिक है। तो इसीलिए मैंने इसको अलग सा बनाने की कोशिश की कि मंत्रिपरिषद तो अलग होगा ही होगा, उस पर प्रश्न आते रहते हैं, उसको आप लोग समझ लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री खासतौर से ये मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का क्या स्वरूप होता है लोकतांत्रिक पद्धति में, आधुनिक संविधान में। और जब हम इसके स्वरूप की स्थितियां देखते हैं तो ये कैसा ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसे लॉर्ड मार्ले जैसे व्यक्ति जो हैं भारत में, जिन्होंने वायसराय के रूप में कार्य किया, वो व्यक्ति भारत में जो हमारी मंत्रिपरिषद का आधार स्तंभ है उसका मेहराब कहते हैं, अर्थात सर्वोच्च स्थान कहते हैं। तो आखिर कारण क्या हो सकते हैं, क्या स्वरूप हो सकता है, उन सभी को हम लोग डिटेल से समझते हैं। आपसे अनुरोध है तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, रिकमेंड कीजिए ऐसे दोस्तों के साथ जिनको जो बड़ी क्लासेस में नहीं जा पाते हैं, जो दिल्ली की बहुत महंगी क्लासेस में नहीं जा पाते हैं या किन्हीं अन्य क्षेत्रों की महंगी क्लासेस में नहीं जा पाते हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है लेकिन कम से कम घर में बैठकर बहुत ही सीमित संसाधनों से वह सिविल सर्विसेज की क्लास करना चाहते हैं, तो मैं उनकी सहायता कर रहा हूं। तो आप भी मेरी भी सहायता करिए, अपनी भी सहायता करिए, अपने दोस्तों की भी सहायता करिए कि उन सभी तक ये क्लासेस जरूर पहुंचा दीजिए। और अगर कोई विषय पूरे उसमें नहीं समझ में आता या आपका कोई सुझाव है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने की भी कोशिश करूंगा, अगर सुझाव है तो उसको अपनाने की भी कोशिश करूंगा। आइए मुख्य परीक्षा का, हालांकि साथ में प्रारंभिक परीक्षा का भी, ऐसा नहीं कि मुख्य परीक्षा का ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जब हम भारत में कैबिनेट की स्थिति देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट या हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, कैबिनेट की बात ही ना करें, जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं या उसका एक भाग कैबिनेट देखते हैं तो उसमें एक सर्वोच्च व्यक्ति है भारत का प्रधानमंत्री। जब हम उसके कार्यालय को देखते हैं, हम पीएमओ बोलते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से जानते हैं। मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आया कि क्या भारत के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट को आच्छादित कर दिया है या प्रधानमंत्री कार्यालय शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह खुद ही भारत सरकार हो गया है। ऐसे कई सारे प्रश्न आप बैकयर्ड उठाकर देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पॉलिटिकल साइंस के, उसमें साफ साफ ऐसा प्रश्न मिल जाएगा। तो कारण क्या है कि जब हम ऐसी स्थिति देखते हैं, देखिए जब हम राष्ट्रपति की स्थिति देखते हैं, इनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, विषय समझ लीजिए, जब हम राष्ट्रपति की स्थिति देखते हैं, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सहायक के रूप में हम मंत्रिपरिषद देखते हैं, उसका भाग मंत्रिमंडल भी होता है, तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी है। ऐसा तो है नहीं राष्ट्रपति आकर बैठकों का आयोजन करेंगे, बैठकों की अध्यक्षता करने लगेंगे, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी है जिसे हम भारत का प्रधानमंत्री कह सकते हैं। जैसे आर्टिकल 78 कहता है, 78 क्या कहता है आर्टिकल, वो कहता है कि भारत में जो भी कार्य होंगे, कैसे कार्य होंगे, जो शासन के द्वारा किए जाएंगे, मंत्रिपरिषद के निर्णय के रूप में होंगे, जो मंत्रिमंडल के निर्णय के रूप में होंगे, जो संसद के भीतर होंगे, चाहे वो विधेयक के रूप में हो, चाहे अधिनियम के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, सभी के सभी विषयों से संबंधित सारी जानकारी भारत के राष्ट्रपति को, भारत के भीतर क्या हो रहा है मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत के बाहर
अर्थात किसी अन्य देश के साथ द्विपक्षीय स्थितियों के बीच में और अगर किसी संगठन या संघ के आधार पर है तो संधियों के माध्यम से समझौतों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियां स्वीकार की जा रही हैं या किस प्रकार की स्थितियां बनाई गई हैं, क्या नियम शर्तें या जो भी कार्य किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, क्या है, उन सभी से विषय से संबंधित जानकारी कौन देगा? मंत्रिपरिषद की कड़ी जो है भारत का प्रधानमंत्री ही भारत के राष्ट्रपति को देगा। जब हम इसका दूसरा विषय पढ़ें, ये तो हमने एक कड़ी को समझा कि कड़ी क्या हो सकती, जब हम दूसरा विषय पढ़ें तो हमारे पास भारत में कई सारे स्वरूप हैं। जैसे स्वरूप क्या है, हम देखते हैं कि कैबिनेट है हमारी, केंद्रीय कैबिनेट, हम देखते हैं उसका एक सचिवालय है, कैबिनेट सचिवालय, ये भी देखते हैं, यही तो है केंद्रीय कैबिनेट का सचिवालय। एक हम देखते हैं मंत्रिपरिषदीय सचिवालय, मंत्रिपरिषदीय सचिवालय जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सचिवालय, जहां पर सभी मंत्री बैठते हैं, यहां पर सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, यहां पर सभी केंद्रीय परिषद के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो बैठते हैं, ये इसी का एक भाग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम अंतिम निर्णय लेने की स्थितियां देखें तो हम तो ये एक साफ कहते हैं संविधान कहता है मंत्रिपरिषद लेगा, उसकी सलाह होगी, उसके आधार पर राष्ट्रपति सारे के सारे कार्य करेंगे, यही तो हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान आर्टिकल 74 में यही विषय कहता है। लेकिन वास्तव में कभी कभी ऐसा होता है कि कैबिनेट क्या करेगा, मंत्रिपरिषद क्या करेगी, इन दोनों की स्थिति के बीच में सबसे ऊपर हो जाता है हमारा पीएमओ या जिसे हम कहें प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय मैंने क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि सबसे सशक्त हो जाता है, सभी हमेशा नहीं हो सकता कि कब हो सकता है कब नहीं हो सकता, ये परिस्थिति या प्रधानमंत्री के नेचर पर निर्भर करेगा, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है उसके नेचर पर निर्भर करेगा। जैसे जब हम अगर हम सीधे सीधे प्रधानमंत्रियों की बात करें, बाकी किसी की बात ना करें, जब हम जवाहरलाल नेहरू का काल देखते हैं तो हमें पीएमओ बहुत शक्तिशाली दिखाई पड़ता है, जब हम इंदिरा गांधी का काल देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का काल देखते हैं तो पीएमओ हमें शक्तिशाली दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या ऐसे दौर जब गठबंधन सरकारों का युग शुरू हो जाता है और उसके बाद और भी जाइए तो बीपी सिंह, चंद्रशेखर, उनके बाद जब और जाइए तो हम एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ऐसे प्रधानमंत्रियों का काल देखते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय बेहद कमजोर दिखाई पड़ता है। और उस कमजोरी की स्थिति में सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थिति किसकी हो जाती है, हमारे केंद्रीय सचिवालय की हो जाती है। और जब गठबंधन स्थितियां देखते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल एक पार्टी की बात करें, जब गठबंधन स्थितियां देखते हैं तो हमें कभी कभी दिखाई पड़ता है कि मंत्रिपरिषदीय सचिवालय बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तो ये कभी कभी वाली स्थितियां हैं। लेकिन जब कभी भी, चाहे वो पार्टी में हो चाहे गठबंधन में भी हो, ऐसा नहीं कि गठबंधन में, जब प्रधानमंत्री खुद में, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है वो खुद में शक्तिशाली है, तो फिर क्या होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाई पड़ता है। जैसे सीधा सा उदाहरण है, जिस युग में आप हैं 2019, इसमें आप देख लीजिए प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ज्यादा शक्तिशाली, हद से ज्यादा स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अन्य कार्यालयों के मंत्रियों की नियुक्ति करने पर भी कहीं ना कहीं उसके स्थितियां या उसकी शक्तियों का विस्तार हो चुका है। स्थिति यह है कि किसी भी केंद्रीय कैबिनेट में या मंत्रिपरिषद के ऑफिस में किस अधिकारी की नियुक्ति होगी वो भी पीएमओ तय कर रहा है आजकल। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। कारण यह है कि प्रधानमंत्री नेचर से शक्तिशाली, उनका व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत आकर्षक है, व्यक्तित्व तो बहुत शक्तिशाली है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या है कि प्रधानमंत्री कार्यालय शक्तिशाली हो जाता है। वो अब शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं था सभी शक्तियों को खींच लिया उसने, सभी शक्तियों के खींचने से अच्छा है विकेंद्रीकरण, जैसे हम 2019 में देख रहे हैं विकेंद्रीकरण का स्वरूप, सभी मंत्री अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं, पीएमओ जल्दी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अंतिम रिपोर्ट पीएमओ जरूर लेता है। पहले क्या हो रहा था, कई सारे मंत्री ऐसे थे कि पीएमओ को पता ही नहीं चलता था कि मंत्रियों ने क्या निर्णय ले लिया विभाग के और उसको लागू कर दिया गया, वो सीधे कैबिनेट में रखा गया, कैबिनेट से चला गया, मतलब वहां पर कैबिनेट सचिवालय कहीं ना कहीं शक्तिशाली हो जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ गठबंधन सरकारों की स्थिति में, मंत्रिपरिषदीय कार्यालय जो है
वो शक्ति सचिवालय जो है वो शक्तिशाली हो गया। तो ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है उसके विषय उसके नेचर पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि कौन शक्तिशाली बन जाएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री के समय इंदिरा गांधी से पहले, उनके बाद इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव गांधी के समय, उनके बाद और आगे जाइए तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का जो दूसरा कार्यकाल था उस समय, और अभी जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा है 2014 के बाद और 2019 में दूसरा कार्यकाल। तो ये जो स्वरूप है ये यहाँ पर हमको पीएमओ बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दिया, इतना शक्तिशाली कि पीएमओ ने निर्णय ले लिया, उसको मंत्रिपरिषद सचिवालय ने भी लागू कर दिया, उसे कैबिनेट सचिवालय ने भी मान्यता प्रदान कर दी, अर्थात वहां किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं आ पाया। यहां तक कि इंदिरा गांधी के समय तो हमें प्रधानमंत्री कार्यालय इतना शक्तिशाली दिखाई पड़ा कि 1975 का जो आपातकाल लागू किया गया उसमें कहीं भी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की कोई सलाह नहीं ली गई, इन दोनों सचिवालयों की कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई, सीधे पीएमओ से गया और पीएमओ से राष्ट्रपति के पास लेट जानकारी पहुंची और राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। कहीं ना कहीं इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने एक छत्र राज्य भी स्थापित कर लिया पूरे भारत में, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था हम इसे नहीं कह सकते, ये तो हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इस विषय पर, लेकिन शक्तिशाली होने का मतलब ये है कि विकेंद्रीकरण आवश्यक है, शक्तियों का विभाजन आवश्यक है, शक्तियों का केंद्र बिंदु पीएमओ बन जाए वो अलग विषय है, लेकिन शक्तियों का संकेंद्रण कभी भी पीएमओ में नहीं होना चाहिए ऐसी स्थितियां। तो पीएमओ व्यक्ति के नेचर के, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है उसके आधार पर शक्तिशाली होता है। अब हम संवैधानिक प्रावधान देखें, हालांकि मैंने बहुत डिटेल से इसको नहीं बताने का प्रयास किया, क्यों, क्योंकि यहां पर हम सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक हिंट आपको देने की कोशिश की कि कैसा स्वरूप प्रधानमंत्री का हो सकता है, कैसा स्वरूप प्रधानमंत्री के कार्यालय का हो सकता है और उसके आधार पर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडलीय स्वरूप कैसे हो सकते हैं। अब आते हैं हम प्रधानमंत्री की स्थितियों के आधार पर, तो बिल्कुल सामान्य स्थितियां हैं जैसे मंत्रिपरिषद की, जैसे आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, कहां के कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका के प्रमुख होने का स्वरूप है आर्टिकल 53 के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये कौन सा आर्टिकल है, 53 है। और जब हम ये देखते हैं कि 74 तो वो कहते हैं 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे और मंत्रिपरिषद का सलाहकार कौन होगा, प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये भी स्थिति है, ये 74 में है, तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति 53 में और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री 74 में। तो अब इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद जैसी गठित होती है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री का भी गठन होता है, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा कोई भी 74 के बाद जब हम 75 में जाते हैं, 75 में जाते हैं अनुच्छेद में, तो सारी जानकारी हमको स्पष्ट हो जाती है। राष्ट्रपति जो भी गठबंधन है या जो भी पार्टी है जिसके पास बहुमत है, या बहुमत नहीं है तो जो भी गठबंधन या पार्टी सबसे बड़ी है, दोनों बातें, गठबंधन या पार्टी जो सबसे बड़ी है या जिसके पास बहुमत है, उसका जो नेता चुना जाएगा, उस नेता को, नेता तो चुनने का अधिकार वही जो भी सदस्य चुनकर आए हैं उन सदस्यों को होगा, अपने में से किसी एक को व्यक्ति को नेता चुनना, तो जो भी नेता चुना जाएगा उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए इनवाइट करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति कर देंगे। सलाह पर नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से मर्जी पर नियुक्ति नहीं करेंगे, स्वेच्छा पर तब होगा जब मंत्रिपरिषद के में प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया जाएगा, क्योंकि तो यहां पर सबसे बड़े दल या सबसे बड़े गठबंधन की स्थितियों पर राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज है, जब मंत्रिपरिषद में सदस्य सारे के सारे, तो अब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पिछले क्लास में सब कुछ पढ़ चुके थे, अब हम केवल प्रधानमंत्री की बात करें, अगर प्रधानमंत्री जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है तो वह लोकसभा का सदस्य है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अर्थात दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। किसका, दोनों में से किसी एक सदन का, राज्यसभा, इंदिरा गांधी राज्यसभा से आई थी,
डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से आते थे, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ता किस सरकार से। और बहुत सारे ज्यादातर प्रधानमंत्री तो लोकसभा से आए हैं। सीधी दूसरी बात, अगर मान लीजिए इन दोनों ही सदन का सदस्य नहीं है कोई भी व्यक्ति, सदन का सदस्य नहीं है ये हम मान लें, तब उसके लिए वही प्रावधान है जो मंत्रिपरिषद के लिए है। मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के लिए, सदस्य के लिए, छह माह के भीतर, कितने दिनों के भीतर, छह माह के भीतर किसी भी एक सदन का, किसी भी एक सदन का मतलब चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी सदन हो, उस एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। कितने दिनों में, छह माह के भीतर। अगर संबंधित व्यक्ति छह माह के भीतर सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। और यह भी ध्यान रखिएगा, वही नियम है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2001 में स्थापित किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार इस पद पर पहुंच गया बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए, तो फिर उस सरकार के दौरान उस व्यक्ति को दोबारा प्रधानमंत्री पद प्रदान नहीं किया जा सकता। और अगर वह सदन, किसी सदन का सदस्य बन जाता है तो बनने के बाद उसको प्रधानमंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन जो ए आर चौहान कर वर्सेस पंजाब राज्य था 2001 का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है तो वो ना तो प्रधानमंत्री दोबारा बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बन सकता है, ना ही किसी भी तरह का मंत्री बन सकता है। ये स्थिति इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये नियुक्तियों की बात हम कर रहे हैं कि नियुक्तियों की स्थितियां कैसी हो सकती हैं। अब हम जब मंत्रिपरिषद की अन्य स्थितियों की बात करें, पदावधि की बात करें कि पदावधि कैसी हो सकती है, कि कितने दिनों की है, ये सब 75 में ही है, 75 से बाहर कुछ नहीं। जब पदावधि की बात करते हैं तो वह उतनी ही है जितनी मंत्रिपरिषद की, अर्थात अधिकतम, अधिकतम की स्थिति कितनी है, 5 वर्ष। मंत्रिपरिषद की स्थिति कितनी थी, 5 वर्ष थी, इनकी भी स्थिति कितनी, 5 वर्ष अधिकतम, क्योंकि निश्चित कार्यकाल नहीं है, अधिकतम कार्यकाल है कितने दिनों का, 5 वर्षों का अधिकतम कार्यकाल। निश्चित कार्यकाल क्यों नहीं, लोकसभा अगर भंग हो गई तो संबंधित व्यक्ति को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लोकसभा भंग हो गई तो संबंधित व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देगा, कभी भी भंग हो सकती है, 5 साल पूरे करके भी हो सकती है, 5 साल के पहले भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या व्यक्ति खुद में ही अपने पद से इस्तीफा दे दे, पीएम जो है वो इस्तीफा दे दे। और पीएम जब इस्तीफा देगा तो मतलब होगा मंत्रिपरिषद का इस्तीफा, ये भी हो सकता है। अगर अर्थात हम इसको उल्टा पढ़े तो भी ऐसी स्थिति है, तो पीएम जो इस्तीफा देंगे तब मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा, और उनकी सलाह पर लोकसभा भंग हो जाएगी तो भी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा, अर्थात लोकसभा भंग होने का मतलब खत्म, मंत्रिपरिषद का शुरू, प्रधानमंत्री पद भी समाप्त, कार्यवाहक फिर वो चुनाव की स्थितियां, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की स्थितियां इत्यादि होंगी। तो 5 वर्षों का इसका टेन्योर होगा। अब हम प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करें कि आखिर इसके कर्तव्य क्या है, ये आखिर काम क्या करता है, और बाकी वेतन भत्ते उसको संसद के एक सदस्य के रूप में प्राप्त होते हैं, बस ऑफिस खर्च जो होता है वो उसका अलग होता है, उसका आवास अलग होता है, जो प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाना जाता है, उसका कार्यालय, उसके खर्च जो होते हैं वो सारे के सारे दिए जाते हैं, वो अलग विषय है। अगर हम कर्तव्यों की बात करें कि इसके कर्तव्य क्या है, तो पहली बात तो आर्टिकल 78 कहता है, 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सभी सूचनाएं देगा। कैसी सूचनाएं, देश की संसद के भीतर क्या हो रहा है, मंत्रिपरिषद ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं, मंत्रिपरिषद ने अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में किसी देश के साथ द्विपक्षीय और संस्थाओं के साथ या बहुपक्षीय कौन सी संधियां, शर्तें, समझौते लागू किए हैं, स्वीकार किए हैं, तो उन सभी विषय की जानकारी आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे। यह उनका एक निश्चित होता है, समय समय पर यह सारी जानकारियां राष्ट्रपति को देने का एक कर्तव्य होता है। लेकिन अगर हम 75 के कर्तव्यों की और बात करें, तो जितने भी प्रकार के मंत्री हैं, साधारण सी स्थिति, मंत्री हैं, उन सभी की नियुक्तियों से संबंधित विषय, वो उनकी सलाह प्रधानमंत्री के आधार पर ही होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं, एक
नोटिस जारी करके जैसा भी हो, सलाह प्रधानमंत्री की ही होती है, उसके आधार पर पूरी तरह से मतलब एक तरह से हम ये कहें कि मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री का एकाधिकार होता है। एकाधिकार वाला बात है कि पार्टी में वो चर्चा करेगा इत्यादि, लेकिन हम संवैधानिक रूप से देखें तो मंत्रिपरिषद के निर्माण में भारत के प्रधानमंत्री का एकाधिकार होता है और वह अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति को सलाह देते रहते हैं जैसा हो। इसके साथ ही जितने भी मंत्रिपरिषद की बैठकें आयोजित की जाएंगी, चाहे कोरम पूरा हो या न पूरा हो, मंत्रिपरिषद की बैठकें, मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित की जाएंगी, उन सभी का कर्तव्य किसका होता है? भारत के प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि वही मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। अगर वह उपस्थित नहीं तो वो किसी अन्य मंत्री को, अन्य सदस्य को अपना पदभार दे सकते हैं, वो अलग बात है। अगर वह उपस्थित नहीं है तो केवल ऐसी स्थिति में, या कार्य करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी किसी भी स्थिति में। भारत की जो वित्त से संबंधित नीतियां होती हैं, भारत की जो विदेश से संबंधित नीतियां होती हैं, भारत के सामान्य विषयों से संबंधित जो नीतियां होती हैं, कानूनों से संबंधित जो नीतियां होती हैं, देश में अवसंरचना की स्थापना से संबंधित जो नीतियां होती हैं, किसी देश के साथ कैसे समझौते होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे, उनको कैसे लागू किया जाएगा भारत के भीतर तथा बाहर, उनसे के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, उन सभी से संबंधित जो है वो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही निर्णय लिए जाते हैं। इसके साथ ही पहले तो योजना आयोग कार्य कर रहा था तो उसका विषय अलग था, लेकिन अब नीति आयोग कार्य कर रहा है तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। तो जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए भी यही विषय था, तो नीति आयोग क्या कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, उसकी बैठकों का की अध्यक्षता कौन कैसे होगी, वो सारे के सारे जो विषय हैं वो मंत्रिपरिषद में नीति आयोग इत्यादि में वह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। अर्थात हम ये जब देखते हैं प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री हमें वास्तविक सरकार के रूप में दिखाई पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिकीय सरकार है, भारत की मंत्रिपरिषद सबकी सलाह पर होते हैं, लेकिन वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री ही जो होता है वही वास्तविक सरकार है लोकतांत्रिक स्वरूप के माध्यम से। तो ये मित्रों इस विषय को बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही सर्वशक्तिमान कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान, क्योंकि उन्हीं के पास सब तरह की पावर है, मंत्रिपरिषद की भी पावर है, अगर गठबंधन सरकार नहीं है और गठबंधन सरकार है तो उसमें भी, और दूसरी स्थिति है कि जब व्यक्तित्व बहुत मजबूत हो व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री बना है तो उसकी स्थितियां हैं सभी जगह, कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली हमको दिखाई पड़ता है। दूसरी स्थिति है इसमें जब हम इस्तीफा देने की बात करें, इसी के साधारण सी बात में, वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा में वह जब कभी भी, या मान लीजिए इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, हम दोनों बात करें, जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, कई लोगों की, भारत में तो कई प्रधानमंत्री खोए हैं और बड़ी खतरनाक स्थितियों में, आतंकवादी जैसी स्थितियों में खोए हैं, तो कभी भी स्थिति हम मान लें, तो चाहे भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए चाहे इस्तीफा हो जाए, तो हमेशा ऐसी स्थिति में ये नहीं हुआ कि एक अगले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अगले व्यक्ति को हमेशा जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो अपने पद से इस्तीफा दे देगी। अर्थात ऐसी किसी भी परिस्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इस्तीफा होता है, मंत्रिपरिषद का इस्तीफा होता है, फिर वो अलग बात है कि पार्टी के पास बहुमत है, मेजोरिटी है, पार्टी फिर से एक नया नेता चुन लेती है तुरंत ही तत्काल, और जब उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो फिर वो अलग बात है कि वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो फिर से कार्य करने लगती है, इसी के साथ कार्य करने लगती है, वो अलग विषय है। लेकिन जब कभी भी इस्तीफा होगा प्रधानमंत्री का, मतलब होता है कि सभी का इस्तीफा, और चाहे वो व्यक्तिगत इस्तीफा दे दे, चाहे सामूहिक इस्तीफा दे दे, कैसा भी वो सभी प्रकार का, और अगर प्रधानमंत्री की असमयिक मृत्यु हो जाती है किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद का इस्तीफा होता है, केवल प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, मंत्रिपरिषद ही पूरी समाप्त हो जाती है,
लोकसभा भंग नहीं होती है, केवल मंत्रिपरिषद समाप्त होती है। और ऐसी स्थिति में अगर पार्टी के द्वारा जो बहुमत में है, सरकार में है, वो नया नेता चुन लेती है, तो फिर संबंधित मंत्रिपरिषद फिर से वापस आ जाती है। ऐसी भी स्थितियां हैं, इसको भी हमेशा याद रखिएगा। बाकी जब हम देखते हैं और भी शक्तियां या प्रावधान इसके अंतर्गत, तो राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को संसद के लिए सलाह देना, सत्र के आवाहन के लिए सलाह देना, सत्र भंग करने के लिए, लोकसभा भंग करने के लिए इत्यादि, ये सारे विषय जो हैं, उस प्रकार की स्थितियां जो है भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही शामिल होती है। तो ये आर्टिकल 74-75 है जहां भारत के प्रधानमंत्री के विषय वर्णित है। लेकिन जब वो एक विषय और देख लें, मान लीजिए कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग हो गई, ऐसी भी स्थिति राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और चुनाव के लिए समय है 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी है, 6 महीने के भीतर नए चुनाव करवा लिए जाएंगे ऐसा जो अधिकतम समय दिया गया, तो ऐसी स्थिति में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की स्थिति भी है। कैसे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री अर्थात एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की स्थिति भी है। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का स्वरूप क्या है? अर्थात वो जो राष्ट्र के दैनिक कामकाज है वो कर सकता है, लेकिन जो वास्तविक कार्य है, संवैधानिक कार्य है, वह नहीं कर सकता। अर्थात उसके पास बेहद कम शक्तियां होती हैं, ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती जो भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं, केवल दैनिक सामान्य जो कार्य कामकाज है राष्ट्र का, उसके संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है। एक और इसी के अंतर्गत हम व्यवस्था देखें जिसे हम कहते हैं उप प्रधानमंत्री। पहली बात जब हम उप प्रधानमंत्री पद को देखते हैं तो इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ये कैसा पद है? गैर संवैधानिक है, अर्थात इसका हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई वर्णन नहीं किया गया है। यह कैसा पद है? गैर संवैधानिक है। ये भी हम देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके बाद जो प्रमुख व्यक्ति हो सकता है वो अधिकांश तो हम देखते हैं गृहमंत्री का ही स्वरूप होता है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में, दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री के बाद गृहमंत्री की ही स्थिति होती है। लेकिन कभी कभी गृहमंत्रियों को प्रधानमंत्री उपनाम दे दिया जाता है, ये उपनाम की पदवी है, हम ये कहते हैं उपाधि, एक तरह से उपाधि इसलिए हम कहते हैं ये पदक्रम हायरार्की की उपाधि है, कोई उपाधि नहीं, मतलब हायरार्की में एक नाम दे दिया गया कि संबंधित व्यक्ति को हम उप प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्यों उपाधि हमने कहा? क्योंकि यह एक प्रकार की गैर संवैधानिक व्यवस्था, हमारे संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं, कहीं पर भी वर्णन नहीं। जैसे शुरुआत में आजादी के बाद सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए, इनके बाद मोरारजी देसाई भी बने, जगजीवन राम भी बने, चौधरी चरण सिंह भी बने, वाई जी चव्हाण भी बने, देवीलाल भी भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए, और अभी सबसे अंत में जो अभी तक की स्थितियां हैं उसमें हम लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर देखते हैं। इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसके कोई अधिकार नहीं है, इसके कोई कर्तव्य नहीं है, उसका कोई विषय नहीं है, यह केवल और एक ही उपाधि के रूप में। इसका जो वास्तविक स्वरूप होता है वो हमेशा गृह मंत्री के रूप में होता है, अधिकांश यही होता है, गृह मंत्री को यह उप प्रधानमंत्री की उपाधि दे दी गई। तो इसको हम केवल गैर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देख सकते हैं। अभी तक लगभग 8 व्यक्तियों को ये भारत में उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, नियुक्त हम कहेंगे, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जा सकता है, और कुछ नहीं है इस पर व्यवस्था। ठीक है मित्रों, ये भारत के प्रधानमंत्री के संवैधानिक स्थितियां हैं। अगर हम भारतीय प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला देखें तो सबसे पहले हमें श्री जवाहरलाल नेहरू दिखाई पड़ते हैं, और उनका कार्यकाल काफी लंबा कार्यकाल रहा क्योंकि वह लगातार 4 बार क्रमशः, वैसे तो आजादी के तुरंत बाद की भी स्थितियां थी और पहले लोकसभा चुनाव 1952 के बाद की भी स्थितियां थी, तो कुल मिलाकर 1964 तक वह लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। और अगर हम कार्यवाहक प्रधानमंत्री की पहले की बात करें, जो सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। वो श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तत्काल बाद, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसी को बनाना तो अनिवार्य होगा, पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, तो कहीं ना कहीं उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था कुछ बहुत थोड़े समय के लिए। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, फिर गुलजारी लाल नंदा कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, उसके बाद फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर उनके मृत्यु के बाद राजीव गांधी,
राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह, उनके बाद चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिंह राव, उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। ये बहुत छोटी सी सरकार थी, 13 दिन की सरकार कही जाती है, मात्र 13 दिन चली थी। उनके बाद HD देवगौड़ा, उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल, उनके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके बाद क्रम में अगर सभी को हम क्रम देखें, केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री हटा दें, तो 17वें नंबर पर नरेंद्र मोदी, और 2019 में चुनने का मतलब 18वें नंबर पर क्रम में नरेंद्र मोदी फिर से, और व्यक्ति के रूप में 15वें व्यक्ति, पदक्रम के रूप में 18वें क्रम में आएंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, और अगर व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो 15वें व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है मित्रों, ये भारत के प्रधानमंत्री की स्थितियां हैं, हमने बहुत डिटेल से नहीं पढ़ी, शॉर्टकट में ही पढ़ी, जो भी व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उनको हम लोगों ने यहां पर समझा। बाकी इनके बाद के जो विषय हैं हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर समझेंगे क्या विषय है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, रिकमेंड कीजिए, और अगर कोई विषय नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और ये भी ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री को हम लोक प्रशासन के ढंग से मुख्य परीक्षा के जब विषय पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे, वहां पर भी ये पूर्ण नहीं है, ये मुख्य परीक्षा की स्थितियों के आधार पर नहीं, ये केवल प्रारंभिक परीक्षा की स्थितियों के आधार पर। अच्छा, जाते जाते एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो भारत में आपको कैबिनेट सचिव जैसी पद दिखाई पड़ते हैं, कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के सलाहकार हो, इन सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्वेच्छा से खुद कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति को सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही होती है। ठीक है मित्रों, यही एक विषय बच रहा था जो जाते जाते अच्छा हुआ याद आ गया, बाकी विषय हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।